बस्ती महोत्सव 2021 के इस उत्सव समारोह के अंदर भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, वरिष्ठ सांसद श्री राधामोहन सिंह जी, बस्ती लोकसभा के मेरे सहयोगी सांसद, मेरे मित्र हरीश द्विवेदी जी, लोकसभा के वरिष्ठ सांसद श्री जगदंदा पाल जी, मंच पे विराजे सभी विधायकगण, चेयरमैन महोदया, पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और बस्ती महोत्सव के अंदर पधारे मेरे सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले इस धरती को नमन करता हूं। ये बस्ती एक ऐसी धरती है जहां आध्यात्मिक रूप से कई महापुरुष हुए, देश की आजादी के लिए बलिदान देने के लिए सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया और आध्यात्मिक धर्म के रूप में और अपनी कला संस्कृति के रूप में इस बस्ती का विशेष रूप से महोत्सव है। ये महोत्सव हमारी जनपद की विभिन्न संस्कृति, हमारी समृद्ध विरासत और हमारी कला लोक कलाओं का एक ऐसा संगम है जिसको देखकर हम सबको बहुत अनुभूति होती है, क्योंकि जब मेरा जिला अपना जिले में हम अपनी समृद्ध संस्कृति को, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को और यहाँ पर जिन लोगों ने शहीद दी, कुर्बानी दी, उनको याद करते हैं तो हमें गौरव अनुभव होता है। और इसके लिए मैं यहाँ के सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने विजन से, अपनी सोच से मेरे इस जनपद का नाम देश के अंदर हर जगह पहुंचे, मेरे जनपद की संस्कृति, कला, यहां की काष्ठ हस्तकला तमाम देश के कोने में पहुंचे, इसके लिए एक सोच समझकर इस महोत्सव का आयोजन करने का विचार किया। केवल 3 साल के अंदर इस महोत्सव ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि रास्ते में जब आ रहा था तो किस तरीके की प्राकृतिक सुंदरता थी, यहां पर पूरे जनपद में ऐसा लगता था कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहां पर निकटी संत कबीर जी का निर्माण स्थल हो, चाहे घाघरा नदी और सरयू नदी के तट पर इस जनपद पर गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम स्थल हो। ये धरती एक ऐसी धरती है जहां भगवान राम पैदा हुए, इसके लिए दशरथ जी ने यहां पर प्रतिष्ठित यज्ञ भी किया। ये धरती इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जब 1857 के अंदर देश के अंदर पहली आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी,
तो इस छोटे से जिले के अंदर 300 से ज्यादा लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मृत्युदंड दिया। एक जिले के अंदर देश के लिए समर्पण और सेवा करने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले, इस धरती पर 300 से ज्यादा लोगों का मृत्युदंड हम सबको आज शौर्य वीरता के लिए प्रेरणा देता है। आज जब मैं यहां पर हमारे तिरंगे झंडे का अनावरण करने गया तो किस तरीके से लोगों में उत्साह था। यह हमारा तिरंगा हमारा सम्मान का प्रतीक भी है और स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने आजादी की लड़ाई लिए उनके प्रतीक के रूप में भी है। और इसीलिए आज देश का जन जन इस तिरंगा को लेकर, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सीमा पर खड़ा जवान हो, उसकी एक इच्छा रहती है कि मेरा देश वैभव को पहुंचे और मेरे देश को मैं सबसे ऊंची चोटाई को ले जाऊं। ये धरती महान स्वतंत्रता सेनानी राजा जालिम सिंह जी की, संत देवरा बाबा की, हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, रामेश्वर दयाल सक्सेना जी जैसी लोगों की ये धरती रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धरती की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा हमें नई प्रेरणा देने का काम करती है। साथियों, हमेशा अपने जिले, अपना गांव, अपना शहर, सबकी अपनी अपनी विरासत रहती है, अपनी अपनी संस्कृति रहती है, लेकिन उस हमारी समृद्ध विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरती को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर मंच देने की आवश्यकता है। और ये काम किया तो यहां के सांसद ने किया कि बस्ती का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। और आज मैं देख रहा हूं चारों तरफ अपने अपने हस्त से, कला से, किस तरीके से छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग के लोगों को एक मंच दिया ताकि वह अपनी वस्तुओं को बेच सके। आज यही काम हमें करना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद और एक अपने जनपद का उत्पादक वस्तु, ये देश आत्मनिर्भर जब ही हो पाएगा जब हमारी माटी से पैदा हुआ नौजवान देश के अंदर अपनी उत्पादन वाली वस्तुओं को बेचने का काम करे। और ये दिशा देश के अंदर बनी है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। किसी समय था जब हम कच्चे माल के लिए, फिनिश माल के लिए विदेशों से निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आज इस भारत के नौजवानों ने, नए वैज्ञानिकों ने रॉ मेटेरियल बनाने का काम किया, फिनिश मेटेरियल बनाने का काम किया। अब भारत अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद आवश्यकता होता है तो देश विदेश के अंदर भी अपनी उत्पादक वस्तुओं को बेचने के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है। यही हमारे भारत का गौरव होता है कि हम भारत को किस तरीके समृद्धशील बनाएं, किस तरीके से मजबूत बनाएं, इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये जो उत्सव होते हैं, ये उत्सव हमारी अलग अलग वस्तुएं, हमारी कलाकृति, हमारे कलाकार, हमारे गांव के अंदर बैठे छोटे लघु कुटीर उद्योग के लोग, उनको हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आधार पर किस तरीके से बाजार दे सकते हैं, ये उत्सव इस तरीके की प्रेरणा का स्रोत होते हैं। मुझे याद है यहां पर किस तरीके से कोरोना संक्रमण वायरस के समय आप सबने सामूहिक चुनौती से मुकाबला किया। ये भारत देश ही है जो अपनी संस्कृति और संस्कारों के कारण सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण वायरस एक विश्वव्यापी महामारी थी। कई देश के विकसित देश जो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत मजबूत थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, लेकिन वहां भी आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दुर्बलता आई थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां भी कोरोना संक्रमण के कारण हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं कुछ कमजोर हुई,
लेकिन कुछ क्षण बाद ही हम सब लोगों ने उसको अवसर के रूप में प्राप्त कर आज सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर। यही हमारी सामूहिक शक्ति होती है कि कितनी भी कठिन चुनौती हो, कितना भी बड़ा संकट हो, उस संकट को मुकाबला करने के लिए सामूहिक संकट शक्ति के आधार पर हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है तो भारत है। ये भारत की जनता ने बता दिया। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मुझे मेरे देश की 130 करोड़ जनता पर विश्वास है, भरोसा है, और इसी भरोसे के आधार पर सरकार ने नई दिशा दी, नए संकल्प दिए, नए विचार दिए और पूरा देश उस दिशा और संकल्प की ओर बढ़ा है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके माननीय सांसद जो निश्चित रूप से मेरे मित्र हैं, हम चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा के अंदर, सोलहवीं और सत्रहवीं लोकसभा के अंदर साथ साथ काम किया, ये हमेशा एक प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मेरे क्षेत्र का मैं विकास करूं। संसद के अंदर आवश्यकता होगी तो आपकी बात, जनता की बात संसद में रखकर सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सभी मंत्रियों से लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलते, किस तरीके से मैं मेरे क्षेत्र को नए रोजगार का सृजन करूं, नए रोजगार देने का काम करूं, इस दिशा की ओर काम करते रहते हैं। और इसीलिए हमारे दूसरे सांसद जगदीवा पाल जी, जिनका भी आग्रह था कि उनके यहां कपिल वस्तु महोत्सव होता है, पिछली बार मेरा आने का कार्यक्रम था लेकिन किस कारण से नहीं आ पाया, वह भी देर रात ही तक इस उम्र के अंदर भी लगातार संसद में बैठकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं और माननीय संसद की भावनाएं भी सुनते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। साथियों, हम जब कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हमें विरासत के अंदर लोकतंत्र मिला है और विरासत के अंदर लोकतंत्र मिलने के कारण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे कार्य में हमेशा लोकतंत्र, प्रजातंत्र हमारे जीवन का हिस्सा। और इसी विरासत के कारण आज आप देख लें 17 लोकसभा चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार जनता का अधिकतम मतदान करना, ये साबित करता है कि हम लोकतंत्र के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ा। और इस लोकतंत्र के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़े इसलिए मेरी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद के अंदर माननीय सदस्य अपनी भावनाओं, आपके विचार, आपकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार से अवगत कराने का बात, विभिन्न मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए भी आपके सांसद लगातार संसद में आपकी भावनाओं को रखते रहते हैं। मेरी कोशिश है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें, जवाबदेही बने, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं जिस अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ चल रही है उन अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी कर सके। जनता की अपेक्षा आकांक्षा इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से पूरी हो सके इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं पुनः बस्ती के सभी लोगों को इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये महोत्सव लगातार इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे ताकि हम हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारे विचार को, हमारी विरासत को आने वाली पीढ़ी याद करती रहे कि बस्ती के अंदर हजारों लोग हुए थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान भी दिया था और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के मानवीय जीवन को नया मार्ग देने का भी काम किया था। इसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ के सांसद जी को और विशेष रूप से आज राधा मोहन सिंह जी आए, जगदीप आए, सभी विधायक आए, सभी जनप्रतिनिधि आए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई।